नमस्कारम फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल इंडिया को एक्सप्लोर करने हम निकले हुए हैं और अभी हम हैं क्रेडिबल राजस्थान में, जहां जयपुर के बाद हम झीलों के शहर उदयपुर पहुंच चुके हैं। अरावली पर्वत की गोद में बसा ये शहर अपनी सुंदरता, झीलों और शाही विरासतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उदयपुर की धार्मिक धरोहर की बात करें तो जगदीश मंदिर का नाम जरूर आता है। ये भव्य मंदिर 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा ने बनवाया था। यहाँ की इंट्रिकेट कार्विंग और मूर्तियां देखने लायक है। मेवाड़ राजवंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में राणा गुहिल ने की थी। राणा राजपूत शासकों ने सदियों तक मेवाड़ पर राज किया। माना जाता है कि 1559 में राणा लाखा ने ही उदयपुर की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप भी मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी अपना सर मुगलों के सामने नहीं झुकाया। आप महाराणा प्रताप का डिटेल्ड एपिसोड हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हल्दी घाटी भी महाराणा प्रताप और मुगलों के युद्ध के लिए ही प्रसिद्ध है। अनेक युद्धों और संघर्षों के बावजूद मेवाड़ राजवंश ने कला और संस्कृति को जिंदा रखा है। उदयपुर का शाही परिवार आज भी शहर के हर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान और उनकी वीरता पे लिखा गया महाकाव्य पृथ्वीराज रासो उदयपुर में ही लिखा गया था और आज भी फेमस है। यहाँ का जगदीश मंदिर उदयपुर के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है, जहाँ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। महाराणा जगत सिंह जी की पत्नी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, इस कारण महाराणा जगत सिंह का झुकाव भी भगवान विष्णु की तरफ बढ़ गया था। कुछ समय के बाद वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो गए। वो पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। ये बात एक साधु को पता चली तो वो राजा से मिलने के लिए पहुंचे और उनकी भक्ति को देखकर उन्होंने वरदान दिया कि आप रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन सपने में करेंगे। उन्हें रोज सपने में श्री जगन्नाथ दिखने लगे। राजा ने भी प्रण ले लिया था कि जब तक प्रभु के दर्शन उनके सपने में नहीं होंगे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसके बाद वो दिन आया जब जगन्नाथपुरी में भगवान 14 दिनों के लिए मंदिर से बाहर होते हैं और उनका पट बंद होता है। इसी बीच भगवान जगन्नाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और 14 दिन उन्हें दर्शन नहीं दिए, तो महाराणा अन्न जल त्याग के प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। श्री हरि अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर उन्हें वरदान दिया कि मैं मेवाड़ आऊँगा, और एक वचन मैंने मीरा को भी दिया था जिसके कारण मुझे मेवाड़ आना ही है। भगवान ने बताया कि द्वापर युग से मेरी प्रतिमा डूंगरपुर के पश्वसरण पर्वत पर है, उसे मेवाड़ में स्थापित करो। इसके बाद राजा जगत सिंह ने यहाँ भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। इसके बाद उन्हें शंका थी कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान यहाँ आए कि नहीं। इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान ने उन्हें फिर से दर्शन दिए और बताया कि उनके आने पर राजा ने जो कड़े जगन्नाथपुरी में चढ़ाए थे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अपने आप वो इस मंदिर की मूर्ति में आ जाएंगे, और इस तरह से भगवान जगन्नाथ यहाँ पे स्थापित हो गए। इस मंदिर को लेकर एक ऐतिहासिक कहानी भी है जो कि काफी प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। राजा को परिवार और प्रजा के साथ दूसरे स्थान पर भेज दिया गया और मंदिर की जिम्मेदारी मारूजी बारट और उनके 20 माचातोड़ सिपाहियों को दे दी गई। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हमारा सर धड़ से अलग नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे। इन 21 लोगों ने औरंगजेब की सेना के आधे सैनिकों को मंदिर की सीढ़ियों से पहले ही खत्म कर दिया। उन 21 वीरों ने अपनी जान देकर भी मंदिर की रक्षा की। औरंगजेब की सेना सिर्फ मंदिर के बाहरी हिस्से को ही नुकसान पहुंचा पाई और भगवान की प्रतिमा को आज भी नहीं आई। 1723 में संग्राम सिंह जी द्वितीय ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें उस समय 9,00,000 रुपए की राशि खर्च करी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि धार्मिकता के साथ साथ कैसे अपनी जान देकर राजा के सिपाहियों ने इस मंदिर की रक्षा करी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब भी आए इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही उन सिपाहियों को जिन्होंने अपनी जान देकर इस मंदिर की रक्षा करी उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मंदिर 3 फ्लोर में बनाई गई है। मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो मेन एंट्रेंस पे 32 संगमरमर की सीढ़ियाँ हैं, जहाँ सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 विशाल हाथी बनाए गए हैं। अंदर प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं, जहाँ आप माता पार्वती, भगवान शंकर, सूर्यदेव और भगवान श्री गणेश के दर्शन कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के सामने गरुड़ देव की पीतल की प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसपे वो आधे मनुष्य और आधे पक्षी के रूप में विराजमान है। गरुड़ देव को भगवान श्री हरि का वाहन भी माना जाता है।
मुख्य मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की चार भुजाओं वाली काले पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। उदयपुर को एक्सप्लोर करते हुए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम यहाँ के फेमस डेलिकेसीज, यहाँ के फेमस फूड को एक्सप्लोर करना भूल जाए? तो फटाफट पेट पूजा करने के लिए हम पहुँच गए यहाँ के साईं बाबा पराठा सेंटर। वर्ष 1995 में गुलाब बाग से ही एक ठेले से इस पराठा सेंटर की शुरुआत हुई थी और आज इनका खुद का एक रेस्टोरेंट है जो कि पूरे भारत में फेमस हो चुका है। आज ये लगभग 12 लोगों को रोजगार देते हैं। यहाँ पे पराठा 70 रुपए से लेके 230 रुपए के रेट में अवेलेबल है। यहाँ के सबसे फेमस पराठों में से एक है आलू चीज़ का पराठा और पनीर का पराठा। इसके अलावा आप मिक्स पराठा, ओनियन पराठा, गोभी पराठा, पालक पराठा जैसे बहुत सारे पराठों की वैरायटीज आप देख सकते हैं। गुलाब बाग में ही इनका लोकेशन है। अगर आप उदयपुर में हैं और पराठों के शौकीन हैं तो आपको साई बाबा पराठा सेंटर जरूर आना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ के पराठा को टेस्ट करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है लेक पैलेस। ये शानदार महल 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजवंश ने बनवाया था। ये महल अब एक लग्जरी होटल बन चुका है जहां ठहरकर आप रॉयल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उदयपुर की जगमगाती पिछोला झील के बीचों बीच बना हुआ है लेक पैलेस। ये ना सिर्फ एक आलीशान होटल है बल्कि राजस्थान के इतिहास का एक अनमोल रत्न भी है। इसे महाराजा जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने झील के बीचों बीच एकांत स्थान के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण मेवाड़ की शैली में किया गया है और 1960 में इसे लग्जरी होटल में बदल दिया गया था। आप यहां ठहरने के अलावा महल की सुंदरता देखने के साथ बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। लेक पैलेस के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है सिटी पैलेस। ये विशाल महल परिसर मेवाड़ राजवंश की शानो शौकत का गवाह है। फ्रेंड्स, मैसूर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट पैलेस है। अगर आपको रॉयल लाइफ देखने में मज़ा आता है तो ये एक ऐसी जगह है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में महाराजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा इसे बनवाया गया था। यह माना जाता है कि इसके निर्माण में 22 से भी अधिक राजाओं का योगदान रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से हारने के बाद मेवाड़ राजवंश को नई राजधानी की आवश्यकता हुई थी जिसके चलते सिटी पैलेस का निर्माण किया गया था। ये राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। ये सफेद संगमरमर और ग्रेनाइट से बना हुआ है। यहाँ आप मेवाड़ राजवंश के शासन काल से संबंधित शस्त्र वस्त्र पेंटिंग्स आदि देख सकते हैं और यहाँ की शानदार और सुंदर क्रिस्टल गैलरी बेल्जियम के क्रिस्टल से बनाई गई है। मोती की कारीगरी से सजा सुंदर मोती महल भी आप देख सकते हैं। अगर आप अपने समय को ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं और महल को मैक्सिमम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोकल गाइड की मदद ज़रूर लें जिससे आपको एक एक चीज़ का डिटेल प्रॉपर मिल सके। महल को अंदर से पूरी तरह से घूमने के लिए आपको सर्टेन एंट्री फीस देनी पड़ती है जिसके बाद आप अंदर के जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अगर आपको कारों का शौक है तो यहाँ की एक प्राइवेट विंटेज कार गैलरी भी है जहाँ जाके आप पुरानी प्रीमियम और रॉयल कार्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है सहेलियों की बाड़ी, जिसे द लेडीज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक गार्डन है। 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह ने इसे अपनी रानियों और अन्य महिला मित्रों और राजघराने की बाकी महिलाओं के लिए बनवाया था। यहाँ की ग्रीनरी और सुंदरता एक अलग ही सुकून देती है। इस गार्डन के मंडपों और पिलर्स में जबरदस्त नक्काशी देखी जा सकती है जो कि उस समय के राजपूत जीवन शैली और संस्कृति की झलक दिखाता है। इस गार्डन का नाम सहेलियों की बाड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ महाराणा संग्राम सिंह की रानियों और महिला मित्रों के लिए एक निजी उद्यान था। यहाँ आपको अनेकों तरह के फूल, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ एक छोटा तालाब भी है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ और कमल के फूल आपको देखने मिलेंगे। उदयपुर के ये खास आकर्षण केंद्रों में से एक है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं फतेह सागर झील। उदयपुर में स्थित ये एक कृत्रिम झील है और ये झील अपने शांत जल और सुंदर व्यूज के लिए जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में इसे महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था। इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। महाराणा फतेह सिंह ने सूखे के दौरान रोजगार और पानी के स्रोत के रूप में इसे बनवाया था। झील के बीचों बीच एक सुंदर संगमरमर का महल भी है जिसे नेहरू उद्यान कहते हैं।
आप बोटिंग का मजा लेते हुए इस महल तक जा सकते हैं। और यहाँ आने के बाद एक चीज जिसे हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था वो है यहाँ की जेट स्की और बोटिंग। तो आप जब भी यहाँ का प्लान करते हैं तो जेट स्की और बोटिंग का मजा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही अमेजिंग और मजेदार है। इस लेक पे एक सौर वेधशाला भी है। कहानियों की माने तो झील के निर्माण के दौरान कई बार बाढ़ आई। ज्योतिषियों की सलाह पर राजा ने झील में एक हथिनी की बलि देने का भी फैसला किया। निश्चित दिन पर हथिनी को सजाया गया और झील के पास ले जाया गया, लेकिन जैसे ही हथिनी झील में कूदने वाली थी बारिश बंद हो गई और वाटर लेवल स्थिर हो गया। हथिनी को बचा लिया गया और आप आज भी झील के किनारे हथिनी की मूर्ति को देख सकते हैं। झील के आसपास कई रेस्टोरेंट और कैफेज हैं जहां आप यहां के सुंदर सीनिक व्यू को एंजॉय करते हुए फूड का मजा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फतेह सागर लेक के सामने ही एक्वेरियम पार्क है जिसे 2010 में बनवाया गया था। यहां आके आप पूरी फैमिली के साथ रंग बिरंगी खारे और मीठे पानी की मछलियों को तो देख ही सकते हैं, साथ में कुछ अद्भुत जल में रहने वाले क्रिएचर्स को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको मरीन लाइफ और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं से प्यार है तो इस जगह को जरूर विजिट करें। फ्रेंड्स, बचपन से ही पपेट शो एक ऐसा प्रोग्राम होता था जिसे देखने के लिए हम बहुत उत्साहित होते थे। तो चलिए उस बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और चलते हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सारा दिन उदयपुर के सुंदर महलों और झीलों को देखने के बाद हम आ पहुँचे हैं भारतीय लोक कला म्यूजियम। ये उदयपुर का फेमस थिएटर है जहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पपेट शो होता है। इस थिएटर की टाइमिंग सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक होती है और यहाँ आप मंडे टू संडे किसी भी दिन आ सकते हैं। इसके टिकट्स 25 रुपीज से 60 रुपीज तक के होते हैं जो कि शोज की कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। और यहाँ होने वाला हर पपेट शो किसी न किसी कहानी पर बेस्ड होता है। फ्रेंड्स, आने से पहले पपेट शो के बारे में आइडिया तो था, लेकिन यहाँ आके इसको देख के जो मजा आया, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं पपेट शो के बीच में अनएक्सपेक्टेड से जो आपको हंसने पे गुदगुदाने पे मजबूर कर देते हैं, तो ऐसा ही कुछ हमें इस पपेट शो में देखने को मिला। ये थिएटर 1952 में मिहिर चौधरी जी द्वारा बनवाया गया था। इसे बनवाने का उद्देश्य फोक कल्चर आर्ट डांसेस को बढ़ावा देना था और उन्हें फेमस करना था। तो अगर आप उदयपुर में हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है और जिसको आपको विजिट करना ही चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर हमसे कोई डेस्टिनेशन छूट गया हो तो भी हमें मेंशन करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, एक दिन का ही टाइम था, एक दिन में सारे डेस्टिनेशन कवर करने थे, तो जितना पॉसिबल हुआ हमने करने की कोशिश करी है। अगले सफ़र में हम जाने वाले हैं यहाँ के बहुत ही ऑसम और इनक्रेडिबल प्लेस जैसलमेर। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ASX Explores। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कारम।